जनपद कासगंज के थाना प्रभारी पटियाली के कार्य पर सवाल उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन भारत ने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सौंपा। क्षेत्राधिकारी डी के पंत राज्यपाल संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी डी के पंत को सौंपा है, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर पर हुए हमले के मामले में क्रॉस कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में थाना प्रभारी को हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याओं समेत ज्ञापन में 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। ये भारतीय किसान भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर, ग्राम प्रधान श्रीनंगला और प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ कुछ तथाकथित लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने मारपीट करके उन्हें अगवा करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रशासन ने मुकदमा लिखाया था और उसी के क्रॉस में एक मुकदमा 354 का झूठा लिख दिया था प्रशासन ने दबाव में आकर के, उसको ख़त्म करके दोषियों को जेल भेजा जाए तुरंत, ये कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हमने धरना ज्ञापन दिया था, जिसमें सीओ साहब आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है उच्च अधिकारियों से बात करके मामले का निराकरण कराया जाएगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रकरण हैं, इन संज्ञान लिया गया है और उच्च अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र ही जो उचित होगा उसमें कार्रवाई कराते हुए किसानों को न्याय दिला जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।